ये देखिए हमारे बढ़िया तरीके से घी वाली जोतें और घी वाला दिया बनके तैयार है इंस्टेंट यूज करने के लिए। अब भी इन जोतों से हो गए हैं परेशान, देखिए जोत उठाओ तो हाथ में घी लग जाता है। आज मैं आपको एक नई टेक्निक बता रही हूँ जिससे कि आप इस दिवाली घर पर इन जोतों का कैसे ब्यूटीफुल तरीके से यूज़ कर सकते हैं। इसमें हम जो सामग्री मिलाएंगे आप देखकर हैरान ही हो जाएंगे कि इन जोतों का रंग रूप कैसे बदल जाएगा। इसके लिए हमें क्या चाहिए, ये जोते घी वाली और मोल्ड चाहिए। साथ ही मैं देसी घी को एक बर्तन में गर्म कर रही हूँ। हमारा घी गर्म हो जाता है, आपके पास कोई भी पुरानी मोमबत्ती पड़ी है कोई भी पुरानी मोमबत्ती आप इसमें डाल दीजिए। आप इसमें डालिए भीम सैनी देसी कपूर और हवन सामग्री, ये भी आपने इसमें मिक्स कर दी। मिक्स करने के बाद इसको आराम आराम से हल्का हल्का चलाइए ताकि ये सारा सामान देसी घी में मिक्स हो जाए। ये जितनी भी मेरे पास जोते थी उनको मैंने इस मोल्ड में लगा दिया है। देखिए ये भी घी में अच्छे तरीके से मेल्ट हो गया है, बस एक सेकंड और लगेगा। इसको मेल्ट करके अब हम इसको जिस मोल्ड में हमने जोते डालिए हैं उसमें हम ये पोर कर देंगे। देखिए मैंने जो घी वाला मिक्सचर बनाया था वो मैंने इसमें डाल दिया है और अब इन मैं जूतों को भी सेटल डाउन करके थोड़ी देर जमाने के लिए रख देती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो घी वाली जूते बनकर तैयार हैं, अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि इसका कैसे यूज़ करना है। ये देखिए ये घी वाली जूते और नीचे देखिए हवन सामग्री सब कुछ आया हुआ है। और ये देखिए घी वाली जूते बढ़िया तरीके से बनकर तैयार हो गई। अब आपने इस जूत को उठाना है, इसको ऐसे दिए के अंदर रखो और ये देखिए आपकी घी वाले जोते बनकर तैयार हो गई हैं। ये देखिए हमारे बढ़िया तरीके से घी वाली जोते और घी वाला दिया बनके तैयार है इंस्टेंट यूज़ करने के लिए।